हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी मशरूम बिरयानी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मशरूम बिरयानी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 200 ग्राम मशरूम को कट के धो के क्लीन करके रखा, एक बड़ा ओनियन लंबा स्लाइस में कट के रखा, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो चम्मच धनिया और पुदीना को बारीक चॉप करके रखा, दो चम्मच ऑयल यूज़ करूँगी। बासमती चावल मैं पहले ही धो के क्लीन करके रखा, एक ग्लास यूज़ करूँगी। वेजिटेबल में कैप्सिकम, ग्रीन पीस, कैरेट, ग्रीन बीन्स ऐसे काट के रखा। ये ऑप्शनल है, चाहिए तो दीजिए नहीं तो स्किप कीजिए। वेजिटेबल के साथ बनाएंगे तो और टेस्टी बनता है, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। खड़े गरम मसाले में एक इलायची, चार लौंग, दो दालचीनी, एक तेज़पत्ता, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच शाही बिरयानी मसाला, ऐसे पैकेट में मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, दो चम्मच ऑयल। कुकर में गर्म होने के लिए रख दिया। मैं कुकर में बिरयानी बनाऊंगी, इसके लिए ऑयल गर्म हो गया। अभी जो इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता ऐड कर दिया। अभी जो ऑनियन लिया वो भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ऑनियन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अभी जो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया वो ऐड कर दिया, वो भी 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अभी जो वेजिटेबल लिया सारे वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। सारे वेजिटेबल मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब जो ड्राई मसाला लिया वो ऐड कर देती हूँ, हल्दी पाउडर और रेड चिली और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और जो शाही बिरयानी मसाला लिया वो भी ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। जो मशरूम लिया था वो भी ऐड करके अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स कर लूँगी। मशरूम बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए लास्ट को ही मैं ऐड किया। मशरूम भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। मशरूम अच्छी तरह से फ्राई हो गया मसाला के साथ। अभी जो बासमती चावल को धो के क्लीन करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ। और सारे मसाला और वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से सारे वेजिटेबल के साथ चावल मिक्स करके हो गया। अभी पानी, एक ग्लास चावल लिया तो 2 ग्लास पानी ऐड कर देती हूँ। और सारे मसाला, चावल, वेजिटेबल सब पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लीड लगा देती हूँ और एक फुल फ्लेम में एक व्हिसल दे दूँगी तो मशरूम बिरयानी बनके रेडी हो जाएगा। एक सीटी होने के बाद ठंडा होने के लिए रख दिया था। देखिए कितना बढ़िया मशरूम बिरयानी बनके रेडी हो गया। अभी ऊपर से
हरा धनिया और पुदीना का जो बारीक चॉप करके रखा था ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा खिले खिले मशरूम बिरयानी बनके रेडी हो गया। टेस्टी मशरूम बिरयानी बनके रेडी हो गया। एक कुकर में कम टाइम में बहुत इजी से बनाया। ऐसे बनाइए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।